नमस्कार, ये है महिंद्रागुरु.com द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस और आप देख रहे हैं द करंट अफेयर्स एक्सप्रेस रनिंग डेली ऑन महिंद्रागुरु.com। इससे पहले अगर चर्चा करें तो हम आपसे हर वीडियो में कहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी हमारे वीडियोस, देखिए एग्जांपल के तौर पर जीएसटी, जैसे ही वो बिल पारित हुआ हमने उसी दिन एक वीडियो लॉन्च किया, ऐसे वीडियोस का अलर्ट आप तुरंत के तुरंत अपने ईमेल के जरिए पा पाएंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की पहली सुर्खी। रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ की सरकार ने संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन के लिए संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए। बहुत कम देखा गया है कि एक मिनिस्ट्री एक स्टेट के साथ ऐसा गठजोड़ करे, पर एक अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी रेल की परियोजनाओं पर खर्चा आएगा, योजनाएं बनेगी, उनमें दोनों लोग मिलकर इन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। अगर सवाल की बात करें, किस मंत्रालय और छत्तीसगढ़ की सरकार ने संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वाणिज्य, कृषि या सूचना एवं प्रसारण? यहां जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प दो, जो कि है रेल। बढ़ते हैं आगे। विख्यात गायिका शुभा मुद्गल को 23वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। शुभा मुद्गल को यह पुरस्कार सांप्रदायिक भाईचारा, शांति एवं सौहार्द को बढ़ावा देने में उनकी अप्रतिम योगदान के लिए दिया जाएगा। सवाल अगर यहाँ बात करें तो सवालों में देखिए हमने कुछ बहुत ही फेमस सिंगर्स के नाम दिए हैं, तो सवाल थोड़ा टिपिकल सा हो गया। निम्नलिखित में से किस गायक को 23वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा? उषा उत्थुप, सोनू निगम, कुमार सानू, शुभा मुद्गल, उदित नारायण? बहुत ही सुरीले सिंगर्स है सारे, पर यहाँ जो उत्तर है वो है विकल्प चार। उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे क्वेश्चंस के पूछने के बाद ही उत्तर दे पा रहे होंगे ताकि आप जो फोकस कर पाए हेडलाइंस के ऊपर। चलिए देखते हैं अगली हेडलाइन। खुदरा क्षेत्र के फ्यूचर समूह ने मोबाइल भुगतान एवं ई वाणिज्य कंपनी पेटीएम के साथ समझौता किया है। इसके तहत फ्यूचर समूह पेटीएम के मंच पर का प्रयोग बिग बाजार के सामान को ऑनलाइन बेचने के लिए करेगा। अगर यहाँ सवाल की बात करें तो जो पेटीएम एक वेबसाइट भी है, एक प्लेटफॉर्म भी है, वहाँ पर अब बिग बाजार के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो शर्ट्स की बात कर लें, क्लोथिंग की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, उनका प्रचार किया जाएगा। तो सवाल यहाँ बनेगा, बिग बाजार प्रचार देने के लिए निम्न में से किस कंपनी ने फ्यूचर ग्रुप के साथ करार किया है? फ्रीचार्ज, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, जबोंग या मिंत्रा? यहाँ जो उत्तर है वो है विकल्प दो, जो कि है पेटीएम। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रमुख खेल प्रमोटर और रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्षा नीता अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है। विश्व में ओलंपिक खेलों के संचालन करने वाली इस प्रतिष्ठित संस्था से जुड़ने वाली वह पहली भारतीय महिला है, तो एक वेलकम साइन है। हो सकता है आने वाले समय में ओलंपिक्स के अंदर भी हमें कई पदक मिले जो कि शुरू हो चुके हैं रियो में। चलिए सवाल की अगर यहाँ बात करें, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एक सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? किशोर बियानी, नीता अंबानी, रतन टाटा, नितिन सिंह या अनुपम खेर? उत्तर यहाँ होगा नीता अंबानी। चलिए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। टाटा ट्रस्ट ने देश में वायरल हेपेटाइटिस से निपटने के लिए जिलेट साइंसेज के साथ सहयोग का करार किया है। सम्मति ज्ञापन या एमओयू के तहत टाटा ट्रस्ट और गिलेट एक संयुक्त कार्यक्रम समिति का गठन करेंगी। यह समिति वायरल हेपेटाइटिस से बचाव, जागरूकता, शिक्षा, परीक्षण और इलाज से संबंधित गतिविधियों का क्रियान्वयन करेगी। अगर बात करें तो इससे एक दिन पहले ही टाटा ट्रस्ट ने कुछ और चीज़ों पर, फॉर एग्जांपल अगर बात करें मलेरिया को लेकर भी बातचीत की है, तो ये एक अलग एक तरह से अनोखा कदम है टाटा ट्रस्ट का। चलिए अगर सवाल की बात करें यहाँ पर, टाटा ट्रस्ट ने देश में वायरल हेपेटाइटिस से निपटने के लिए किनके साथ सहयोग का करार किया है? ग्रेट साइंसेस, फ्यूचर साइंस, स्पेस साइंस, न्यू एज साइंस या ब्रेक थ्रू साइंस? उत्तर यहाँ जो होगा वो होगा विकल्प एक, जो है चूंकि है जिलेट साइंस या ग्रेट साइंसेस। चलिए बढ़ते हैं आगे। दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष मीडिया समूह इंडिपेंडेंट मीडिया की 100 युवाओं की सूची में भारतीय मूल के 5 दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों को शामिल किया गया है। इससे एक दिन पहले ही अमेरिका के अंदर भी जो अमीर हैं वॉल स्ट्रीट पर, उनकी सूची भी आई थी, उसमें भी करीब 4 भारतीय थे, और यहाँ कितने हैं सर? 5 हैं। अगर यहाँ सवाल की बात करें, कितने भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष मीडिया समूह स्वतंत्र मीडिया द्वारा शीर्ष 100 युवाओं के आंकड़ों की सूची में शामिल किया गया है? 5, 6, 7, 8 या 9? उत्तर यहाँ पर है विकल्प एक, जो कि है 5। एक और बड़ी खबर, उन सबके लिए बड़ी खबर जो IBM यूजर्स हैं। IBM ने भारत में iOS गैराज के लिए एक नया उद्योग मोबिलिटी मंच IBM मोबाइल फर्स्ट शुरू किया है। IBM मोबाइल फर्स्ट एक ऐसा मंच है जहां उद्योगों के लिए मोबाइल ऐप बनाई जाएगी। तो अब एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म भी होते हैं, अब एक और प्लेटफॉर्म आया है IBM तरफ से जो है फॉर द iOS वर्जन। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। भारत में iOS गैराज भंडारण के लिए IBM की नई उद्यम गतिशीलता मंच का नाम क्या है? IBM फर्स्ट, थोड़ी म्यूजिक आ रही होगी पर परेशान ना होइए, IBM फर्स्ट, IBM एक्सेल, IBM मोबाइल फर्स्ट, IBM iOS या IBM रैपिड? यहाँ जो उत्तर है वो है IBM मोबाइल फर्स्ट, जो है विकल्प 3।
इसी के साथ थोड़े मनोरंजन थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो ये सुर्खियां हैं वो सवालों के रूप में आने वाले एग्जाम में आपको दिखेंगी, और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस शो को फॉलो कर रहे हैं तो जो हेडलाइंस हैं उन पे शोध करें और उन पे और क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी जानें। हमारा एक ही मकसद है कि हम आपको रास्ता दिखाएं जिससे आप सफल हो सकें, क्योंकि सफलता, क्योंकि हमारा एक नारा भी है सर कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।